दोस्तों, हर एक क्षेत्र की तरह कुछ परिवार बॉलीवुड इंडस्ट्री में विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं, जैसे कपूर फैमिली और बच्चन फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर माने जाते हैं। इन सब के साथ ही देओल परिवार भी इंडस्ट्री में अहम स्थान रखता है। धर्मेंद्र के बाद उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है। इसके अलावा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की भी अपनी एक अलग पहचान है। देओल खानदान के लिए एक बात हमेशा विवादास्पद रही है कि आखिर हेमा और उनके सौतेले बेटों के बीच दूरियां क्यों रहती हैं? क्या सनी और बॉबी ने हेमा को अभी तक माँ के तौर पर स्वीकार नहीं किया है? ऐसे कई सवाल अक्सर उठते रहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले हेमा मालिनी ने सौतेले बेटे सनी देओल के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। सौतेली माँ और बेटे का रिश्ता हमेशा से संवेदनशील रहा है। अक्सर माना जाता है कि सौतेले रिश्ते में वो प्यार या अपनापन नहीं होता जो सगे रिश्तों में होता है। कमोबेश यही बात भी सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच देखने को मिली। दोनों सेलिब्रिटी हैं तो इन दोनों को लेकर भी खूब बातें हुई। कहा जाता है कि बॉबी और सनी अपने पिता धर्मेंद्र की दूसरी शादी से नाराज थे, ऐसे में वे हेमा को कभी भी स्वीकार नहीं कर सके। वैसे इस तरह की चर्चा के लिए दुनिया को कई सारी वजह भी मिली, जैसे कि धर्मेंद्र और हेमा की दोनों बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल की शादी में सौतेले भाई सनी और बॉबी देओल नहीं पहुंचे थे। ऐसे में यही कहा जाता रहा है कि हेमा और उनके सौतेले बेटों के बीच काफ़ी कड़वापन है। हेमा मालिनी ने सनी देओल संग अपने रिश्तों का सच बताकर दुनिया को सन्न कर दिया था। दरअसल ये खुलासा हेमा ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया था, जब उन्होंने बायोग्राफी की किताब लॉन्च की थी। ऐसे में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या उनकी किताब में सनी और बॉबी का जिक्र है, तो हेमा ने कहा कि जब उनकी किताब का नाम ही देओल द ड्रीम गर्ल है तो उनका जिक्र तो लाजमी है। हेमा ने यह भी कहा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे बीच का रिश्ता कैसा है, तो उन्हें मैं बता दूं कि जिस समय मथुरा में मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सनी ही सबसे पहले मुझे देखने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में जब वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे बीच रिश्ता कैसा है। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी, जिनसे धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और बेटी अजेता और विजेता। फिल्मों में आने के बाद धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी पर आ गया था और साल 1979 में दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद उनकी दो बेटियां और हैं, जिनका नाम है ईशा देओल और अहाना देओल।